देखो सेकेंड वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि राइज ऑफ कॉमर्शियल फॉरेस्ट्री, यानी अब वो लोग फॉरेस्ट का इस्तेमाल किस लिए कर रहे थे, मेकिंग मनी। ओके, अब यहाँ पर हम लोग इस वीडियो में पार्ट थर्ड में हम लोग देखेंगे कि ये जो आया जो फॉरेस्ट रूल आया, फॉरेस्ट एक्ट आया, उसने लोगों के लाइफ पे क्या इफेक्ट डाला, लाइफ्स ऑफ पीपल। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ वर द लाइफ्स ऑफ पीपल अफेक्टेड, हाउ वर द लाइफ्स ऑफ पीपल अफेक्टेड। ओके, इसके पहले ये टर्म समझ लो, साइंटिफिक फॉरेस्ट्री हम लोगों ने देखा था, जिसे कि इम्पीरियल पार ने नाम दिया था साइंटिफिक फॉरेस्ट्री, इसका भी प्रैक्टिस कर लेना। अ सिस्टम ऑफ कटिंग ट्रीज कंट्रोल्ड बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इन विच ओल्ड ट्रीज आर कट एंड न्यू वंस प्लांटेड। इसमें होता था क्या कि इन्होंने एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया साइंटिफिक फॉरेस्ट्री में कि कटिंग ऑफ ट्रीज, पेड़ कितना कटेगा ये कंट्रोल्ड किया जाता था, किसके द्वारा, बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, जिसमें क्या होते थे, इन विच ओल्ड ट्रीज आर कट डाउन, जिसमें पुराने ट्रीज को काटा जाता था एंड न्यू वंस प्लांटेड। ओके, साइंटिफिक फॉरेस्ट्री में ये होता था। चलो अब देखते हैं कि ये जो रूल आए इन्हें इसने लोगों को कैसे अफेक्ट किया। फॉरेस्टर्स एंड विलेजर्स हैड वेरी डिफरेंट आइडियाज ऑफ व्हाट अ गुड फॉरेस्ट शुड लुक लाइक। देखो दोनों के नोशंस जो थे फॉरेस्ट के बारे में वो डिफरेंट थे। इम्पीरियल पार का क्या कहना था, साइंटिफिक फॉरेस्ट्री, जिसमें वो अपनी ज़रूरत का पेड़ लगा रहे थे, ठीक है। यू कैन ऑल्सो से इट वॉज़ अ आर्टिफिशियल फॉरेस्ट, ये आर्टिफिशियल था, आर्टिफिशियल फॉरेस्ट, ठीक है, नेचुरल फॉरेस्ट तो था नहीं। अब देखो तो भाई कह रहे कि फॉरेस्टर्स और विलेजर्स के जो आइडियाज़ थे फॉरेस्ट के बारे में, गुड फॉरेस्ट के बारे में, वो बिल्कुल अलग थे। विलेजर्स वांटेड फॉरेस्ट विद अ मिक्सचर ऑफ स्पीसीज टू सेटिस्फाई डिफरेंट नीड्स, उनकी ज़रूरत को जो पूरा कर सकता था, उनको ऐसा फॉरेस्ट चाहिए था। और देखो सारे ज़रूरत को पूरा करने के लिए क्या होना चाहिए, वेराइटी ऑफ ट्रीज होनी चाहिए, मिक्सचर ऑफ स्पीसीज, प्लांट स्पीसीज होनी चाहिए, डिफरेंट नीड्स, लाइक उनकी ज़रूरतें क्या थी यहाँ के लोगों की, फॉरेस्टर्स की और विलेजर्स की, फ्यूल, फॉडर, लिव्स, फॉडर जानवरों के लिए चारा। द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑन द अदर हैंड वॉन्टेड ट्रीज विच वर सीटेबल फॉर बिल्डिंग शिप्स एंड रेलवेज, तो दोनों का एकदम कॉन्ट्रास्टिंग था ऑब्वियसली। देखो उन लोगों को कौन सा ट्री चाहिए था, विच वर सीटेबल फॉर बिल्डिंग शिप्स एंड, देखो आएगा आगे, शिप्स और रेलवेज, ठीक है, शिप्स और रेलवेज। दे नीडेड ट्रीज दैट कुड प्रोवाइड हार्डवुड, उनको ऐसे ट्री चाहिए थे जो उनको हार्डवुड दे सकते थे, क्योंकि शिप्स देखो सीज या ओशंस में चलेंगे, एंड वर टॉल एंड स्ट्रेट, सो पर्टिकुलर स्पीसीज लाइक टीक, साल वर प्रोमोटेड एंड अदर्स वर कट। तो इसलिए के लिए उन्होंने क्या किया कि बाकी जितने भी पेड़ थे, तुम ऐसे भी बोल सकते हो कि जो नेचुरल फॉरेस्ट थे वो क्या हो गए, ख़त्म हो गए। नेचुरल फॉरेस्ट को उन्होंने क्या कर दिया, हटा दिया, रिप्लेस कर दिया किस चीज़ से, ये साइंटिफिक फॉरेस्ट्री जिसका उन्होंने नाम दिया, और किस पेड़ से, उसमें याद रखना अगर क्वेश्चन आए तो, एक था टीक और दूसरा था साल। इन फॉरेस्ट एरियाज, फॉरेस्ट एरियाज में पीपल यूज़ फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, फॉरेस्ट एरिया में जहाँ पे वो लोग रहते थे वो क्या यूज़ करते थे, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक रूट्स, लीव्स, फ्रूट्स एंड ट्यूबर्स फॉर मैनी थिंग्स, कई चीज़ों के लिए। फ्रूट्स एंड ट्यूबर्स आर न्यूट्रिशियस टू इट, फ्रूट्स और ट्यूबर्स उन लोगों के लिए न्यूट्रिशियस थे खाने के लिए, ठीक है, स्पेशली ड्यूरिंग द मानसूनस, बारिश के टाइम में, बिफोर द हार्वेस्ट हैज़ कम इन, हार्वेस्ट आने के पहले। हर्ब्स आर यूज फॉर मेडिसिन, तो इनकी सारी ज़रूरतें कहाँ से पूरी हो रही थी, फॉरेस्ट से, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स स्पेसिस थे, ट्रीज थे। वुड फॉर एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स, एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स यानी खेती करने के लिए, एग्रीकल्चर के लिए जो जो इम्प्लीमेंट्स चाहिए थे वो भी यहाँ कहाँ से बन रहे थे, इन लोगों के फॉरेस्ट से ही मिल रहे थे, लाइक योक्स एंड प्लॉस। बैम्बू मेक्स एक्सीलेंट फेंसेज, जो बाउंड्री ऐसे करके बनाते हैं ना, अभी हम लोगों का सीमेंटेड और कंक्रीट होता है,
एट दैट टाइम इट वॉज मेड अप ऑफ वट वुड. तो बैम्बू मेक्स एक्सलेंट फेंसेज एंड इज ऑल्सो यूज टू मेक बास्केट्स एंड अम्ब्रेलास. लेकिन क्या हो रहा था, ये तो सारे काटे जा रहे थे. अ ड्राइड स्कूप्ड आउट गोड. देखो गोड का, गोड को क्या करोगे, उसके अंदर का पार्ट जितना होता है, उसके बीज से सारे निकाल लेने के बाद और उसको सुखाने के बाद, इट जस्ट वर्क्स लाइक अ ग्लास. तो अ ड्राइड स्कूप्ड आउट गोड कैन बी यूज्ड एज अ पोर्टेबल वाटर बॉटल. वो लोग वाटर बॉटल की तरह यूज़ करते थे उसको. तो तुम लगभग देख रहे हो कि उनके डेली नीड्स की जितनी भी चीज़ें थी वो सारी की पूरी कहाँ से फुलफिल हो जा रही थी, फॉरेस्ट से. लेकिन यहाँ इंपीरियल पार्क के आने के बाद क्या चीज़ हुआ कि ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई. वो लोग बहुत तेज़ी से क्या करने लगे, नेचुरल फॉरेस्ट को रिप्लेस करने लगे किससे से, साइंटिफिक फॉरेस्ट्री से, यानी टीक और साल का पेड़ लगाने लगे या फिर जो भी उनके ज़रूरत की ट्रीज थी. ऑलमोस्ट एवरी थिंग इज़ अवेलेबल इन द फॉरेस्ट. उससे पहले लगभग लोगों की ज़रूरतें जितनी भी थी वो पूरी हो जाती थी फॉरेस्ट से. लिव्स कैन बी स्टिच टुगेदर टू मेक डिस्पोजेबल प्लेट्स. ठीक है, डिस्पोजेबल प्लेट्स बनाने के लिए लिव्स को जोड़ के बनाते थे एंड कप्स. दस्यादी बॉबिनिया वाहली क्रिपर कैन बी यूज टू मेक रोप्स. रोप्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता था. अगर मान लो कि तुम्हारा क्वेश्चन आए कि कौन सा क्रिपर यूज़ किया जाता है रोप्स बनाने के लिए, तो उसका नाम याद रखोगे शियादी. ठीक है. एंड द थॉर्नी बार्क ऑफ द सेमर, सिल्क कॉटन होता है, इसका यूज़ किस लिए किया जाता था, ट्री इज यूज टू ग्रेट वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स को ग्रेट करने के लिए. मीन्स एवरी थिंग वट एवर दे रिक्वायर दे कैन ईजली गेट फ्रॉम फॉरेस्ट. दे आर गेटिंग ऑल्सो, दे वर गेटिंग, बट वट हैपन वंस इम्पीरियल, देर वॉज अ इंटरफियरेंस ऑफ इम्पीरियल पार इन फॉरेस्ट्री, तो ये सारा चीज़ ख़त्म होने लगा था. ऑयल फॉर कुकिंग एंड टू लाइट लैम्प्स कैन बी प्रेस्ड फ्रॉम द फ्रूट ऑफ महुआ ट्री. ओके, सो तुम यहाँ पे क्या देख रहे हो कि लोगों की जो डेली नीड्स थी या जो भी ज़रूरत के सामान थे वो आसानी से सेटिस्फाई किया जा सकता था फॉरेस्ट से. कौन से फॉरेस्ट, नेचुरल फॉरेस्ट याद रखना, क्योंकि नेचुरल फॉरेस्ट में क्या होते हैं, वेराइटीज ऑफ ट्रीज स्पेसिस, ट्रीज के स्पेसिस मिलते हैं प्लांट्स के. द फॉरेस्ट एक्ट मीट. अब देखो फॉरेस्ट एक्ट आने के बाद एक चीज़ और क्या हुआ यहाँ पे, लेट मी, द फॉरेस्ट एक्ट मीट सीवियर हार्डशिप्स. हार्डशिप यानी लोगों के लिए बहुत मुश्किलें हुई, डिफ़िकल्टी हुई फॉर विलेजर्स अक्रॉस द कंट्री. क्योंकि हम लोगों ने पहले पढ़ा क्या कि इफ़ दे वर कॉट कटिंग ट्रीज, मतलब कोई कटिंग ट्रीज नहीं, अपनी ज़रूरत का भी कोई सामान लेते हुए पकड़े जाते तो देवर पनिश्ड सेवियरली, बैडली. आफ्टर द एक्ट, इस एक्ट के आने के बाद क्या हुआ, ऑल देयर एवरी डे प्रैक्टिसेस, उनके हर दिन के जो प्रैक्टिसेस थे, लाइक कटिंग वुड फॉर देयर हाउसेज. ठीक है, कटिंग वुड फॉर देयर हाउसेज, ग्रेजिंग देयर कैटल, कलेक्टिंग फ्रूट्स जो इकट्ठा करते थे, और रूट्स, हंटिंग एंड फिशिंग, ये सारी चीज़ें क्या हो गई, बंद हो गई, बिकेम इलीगल. बंद ही नहीं हुई क्योंकि देखो जब अगर वो इसको क्या रूल्स के हिसाब से, डाइट्रिच ब्रांडिश ने क्या कहा था कि इसको लीगल सैंक्शन मिलना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, रूल्स बन गए, बिना परमिशन के आप जा नहीं सकते हैं. तो डेली नीड्स के लिए भी अगर ये लोग पकड़े जाते सामान लेते हुए फॉरेस्ट से तो वो ही गया इलीगल. पीपल वर नाउ फोर्स्ड टू स्टील वुड फ्रॉम द फॉरेस्ट. अब लोग चोरी करने लगे, फोर्स्ड. ठीक है, एंड इफ दे वर कॉट दे वर एट द मर्सी ऑफ द फॉरेस्ट गार्ड्स. अगर वो पकड़े जाते तो किसकी दया पर रहते, फॉरेस्ट गार्ड्स, हु वुड टेक ब्राइब्स फ्रॉम देम, जो उनसे पैसे मांगते, बदले में पैसे मांगते, कभी खाना भी मांगते थे. आगे आप पढ़ेंगे, वुमेन हु कलेक्टेड फ्यूल वुड वर स्पेशली वरीड. जो औरतें फ्यूल वुड कलेक्ट करती थी फॉरेस्ट से वो काफ़ी चिंतित हो गई, वरीड. इट वॉज ऑल्सो कॉमन फॉर पुलिस कॉन्स्टेबल्स एंड फॉरेस्ट गार्ड्स टू हरास पीपल, लोगों को परेशान करते बाई डिमांडिंग फ्री फूड फ्रॉम देम. ओके,
तो यहाँ पर उनसे खाना मांगे, तो इसमें तुमने देखा कि फॉरेस्ट एक्ट आने के बाद लोगों के डेली लाइफ पे क्या असर पड़ा, उनकी ज़रूरतें, उनकी जो नीड्स थी उस पे क्या असर पड़ा। अब हम लोग देखेंगे कि कल्टीवेशन पे क्या असर पड़ा, हाउ डिड फॉरेस्ट रूल्स, जो भी डाइट्रिच ब्रांडिश ने जो फॉरेस्ट रूल बनाया उसका कल्टीवेशन पे क्या असर पड़ा, जो खेती हो रही थी उस पे क्या असर पड़ा। तो उसको आगे पढ़ने से पहले तुम्हें हम लोग ये देखेंगे कि कल्टीवेशन किस तरह की हो रही थी। ओके वन ऑफ द मेजर इम्पैक्ट्स ऑफ यूरोपियन कॉलोनियलिज्म वॉज ऑन द प्रैक्टिस ऑफ शिफ्टिंग कल्टिवेशन और स्वीडन एग्रीकल्चर। ओके दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, लगभग हर एग्जाम में पूछे जाते हैं ये शिफ्टिंग कल्टिवेशन। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जितने भी यूरोपियन कॉलोनियलिज्म का जितना इफेक्ट पड़ा, जितने भी इम्पैक्ट्स हुए, उसमें एक मेजर इम्पैक्ट पड़ा किस पे, शिफ्टिंग कल्टिवेशन, या उसको एक और किस नाम से जानते हैं, स्वीडन एग्रीकल्चर। ओके ये शिफ्टिंग कल्टिवेशन या स्वीडन एग्रीकल्चर क्या था, देखो दिस इज़ अ ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस इन मेनी पार्ट्स ऑफ एशिया, अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका। और एक चीज़ और याद रखना, ये ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस था और ये सब जगह इंग्लैंड का क्या था, कॉलोनी था। और दूसरी बात ये भी याद रखना कि अलग अलग कॉन्टिनेंट में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता था, जगहों पर भी, इवन इंडिया में भी इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है स्टेट में। इट हैज़ मेनी लोकल नेम्स, देखो यहाँ पे दिया हुआ भी है, इट हैज़ मेनी लोकल नेम्स सच एज लेडिंग इन साउथ ईस्ट एशिया, और इसको याद भी कर लेना, मिल्पा इन सेंट्रल अमेरिका, सेंट्रल आपको मैच करने के लिए भी दिया जा सकता है, चितमेने और टैवी इन अफ्रीका। ये सारे किसके नाम है याद रखना, स्वीडन एग्रीकल्चर और या शिफ्टिंग कल्टिवेशन के, एंड चेना इन श्रीलंका। इन इंडिया ध्या, पेंदा, बेवार, नेवाद, झूम, पौदू, खंदाद एंड कुमरी आर सम ऑफ द लोकल टर्म्स फॉर स्वीडन एग्रीकल्चर। ठीक है, ये सारे नाम हैं। अब इसमें तुम्हारा दो क्वेश्चंस बहुत इम्पॉर्टेंट है, दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड एंड देन यू मस्ट जस्ट लर्न द लैंग्वेज हाउ टू राइट इट। फर्स्ट, व्हाट इज शिफ्टिंग कल्टिवेशन, व्हाट इज शिफ्टिंग कल्टिवेशन, और दूसरा सबका लोकल नाम याद कर लेना। ओके तो ये तो बात हो गई शिफ्टिंग कल्टिवेशन की, अब हम लोग देखेंगे इसमें होता क्या था। ओके और इसका कैसे इफेक्ट पड़ा। इन शिफ्टिंग कल्टिवेशन पार्ट्स ऑफ द फॉरेस्ट एरिया आर कट, मतलब जैसे मान लो फॉरेस्ट है, ठीक है ना, तो उसका कुछ भाग को क्या कट किया जाता था, पेड़ को काट दिए जाते थे, और काटने के बाद क्या होता था, एंड बर्नड इन रोटेशन। ठीक है, एक ही जगह पर नहीं, बार बार जब सॉइल इनफर्टाइल हो जाती थी तो वो दूसरी जगह पेड़ों को काटते थे, और उसके बाद क्या होता था, शीट्स आर शोन इन द आशेज आफ्टर द फर्स्ट मानसून रेन्स, बारिश होने के बाद, फर्स्ट मानसून रेन्स के बाद सीट्स को शोन किया जाता था, एंड द क्रॉप इज हार्वेस्टेड बाय अक्टूबर नवंबर, और उसको काट लिया जाता था अक्टूबर नवंबर में फसल को। सच प्लॉट्स आर कल्टिवेटेड फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स, इस तरह के प्लॉट्स को कल्टिवेट किया जाता था कुछ साल तक, एंड देन लेफ्ट फैलो फॉर 12 to 18 years फॉर द फॉरेस्ट टू ग्रो। देखो कुछ साल तक वो लोग उस पर खेती करते थे, उसके बाद 12 or 18 years तक उसको छोड़ दिया जाता था, ठीक है, कि फिर से फॉरेस्ट वहाँ पर ग्रो करे, ग्रो बैक। अ मिक्सचर ऑफ क्रॉप्स इज ग्रोन ऑन दिस प्लॉट्स, इस पर मिक्सचर ऑफ क्रॉप्स, अलग अलग तरह के क्रॉप्स को ग्रो किया जाता था। इन सेंट्रल इंडिया एंड अफ्रीका इट कुड बी मिलेट्स, सेंट्रल अफ्रीका में क्या था, सॉरी यहाँ पे सेंट्रल इंडिया में क्या था, एंड अफ्रीका में कौन सी फसल जनरली लोकेटेड थे, मिलेट्स। ब्राज़ील में मैनियोक, एंड इन अदर पार्ट्स ऑफ लैटिन अमेरिका मेज एंड बीन्स। ओके ये सब थे। यूरोपियन फॉरेस्टर्स रिगार्डेड दिस प्रैक्टिस एज हार्मफुल फॉर द फॉरेस्ट। देखो जो यूरोपियन फॉरेस्टर्स थे, ठीक है,
उनके हिसाब से रिगार्डेड यानी मानते थे. रिगार्डेड के लिए दूसरा वर्ड तुम कंसीडर्ड भी बोल सकते हो, ठीक है. वो क्या इसको मानते थे, इस प्रैक्टिस को. किस प्रैक्टिस को, ये झूम खेती जिसको बोलते हैं या स्वीडन एग्रीकल्चर, इसका उन्होंने उन लोगों को कहना था कि ये हार्मफुल है. किसके लिए, फॉरेस्ट के लिए, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट कटेंगे. दे फेल्ट दैट लैंड विच वॉज यूज फॉर कल्टिवेशन एवरी फ्यू ईयर्स कुड नॉट ग्रो ट्रीज फॉर रेलवे टिम्बर. और देखो क्यों वो समझते थे कि हार्मफुल है, इसलिए नहीं कि एनवायरमेंट के लिए. They didn't think for the welfare of the people. उनको लगता था कि ये उनका जो रेलवे का, रेलवे के लिए टिम्बर जो होगा उसके लिए क्या होगा, उनको मिल नहीं पाएगा, ठीक है. Which for cultivation every few years could not grow trees for railway timbers. When a forest was burnt, there was the added danger of the flames. उनका कहना था कि अगर कुछ पार्ट, चूँकि स्वीडन एग्रीकल्चर या शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या होता था, पार्ट ऑफ फॉरेस्ट वर बर्न्ड डाउन, तो उनको लगा कि अगर कुछ पार्ट फॉरेस्ट का जलाया जाएगा तो देयर वाज द एडेड डेंजर ऑफ द फ्लेम्स. फ्लेम्स से और भी दूसरे और जंगल में आग लग सकते हैं. स्प्रेडिंग एंड बर्निंग वैल्यूएबल टिम्बर, इनका कहना था कि वो जल जाएगा. सो व्हाट डिड दे डू, देखो यहाँ पे वन पिक्चर हैज़ बीन गिवन. यहाँ पे See, here it has been written, burning the forest, penda, देखो burning the forest, penda or podu plot. In shifting cultivation, a clearing is made in the forest. Shifting cultivation में क्या हुआ था, clearing is made in the forest. Forest में जंगल साफ किए जाते थे, मतलब जंगल को जलाया जाता था, पेड़ को. Usually on the slopes of hills, लेकिन ये कहाँ पर होते, देखो slopes of hill, ऐसे ऐसे इस तरह का. After the trees have been cut, जब पेड़ को कट दिया जाता था, they are burnt to provide ashes. फिर उसको मतलब किस लिए जला जाता था, कि वो ashes देंगे. The sheets are then scattered, उसके बाद seeds को scattered किया जाता है in the area and left to be irrigated by the rain. और छोड़ दिया जाता था कि फर्स्ट मानसून के बाद वहां पे क्या होगा, इरिगेशन होगा, मानसून से इरिगेशन होगा. शिफ्टिंग कल्टीवेशन आल्सो मेड इट हार्डर फॉर द गवर्नमेंट टू कैलकुलेट टैक्सेस. देखो एक तो चिंता ये थी कि टिम्बर के लिए, टिम्बर उनको मिल नहीं पाएगा शिप्स के लिए. दूसरी चिंता ये थी, इनका ये कहना था कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन में इट्स वेरी हार्ड टू कैलकुलेट. Shifting cultivation also made it harder for the government to calculate taxes. कैसे पता चलेगा, एरिया आप कहाँ पे कर रहे हैं, जंगल के किसी भी भाग को काट के वो जला के खेती कर रहे थे. So it was not easy for them to keep the record. Okay, अब record नहीं रखेंगे तो tax नहीं ले पाएंगे, ये भी एक reason था. Therefore the government decided to ban shifting cultivation. और इस तरह से government ने क्या कर दिया, कि डिसाइड किया कि वो बैन करेंगे किस चीज़ पे, शिफ्टिंग कल्टीवेशन पे, तो ये भी रोक दिया गया. एज अ रिजल्ट मेनी कम्युनिटीज़ वर फॉसिबली डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर होम्स इन द फॉरेस्ट. तो वो बहुत सारी कम्युनिटीज़ जो थे, हम लोगों ने यही देखा ना फॉरेस्ट सोसाइटी में क्या देखा, कम्युनिटीज़ हुज लाइफ वॉज इंटायरली डिपेंड ऑन फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, तो वो सब कुछ बंद हो गया. हम लोगों ने देखा कि डेली नीड्स का सामान वो ले नहीं सकते थे, शिफ्टिंग कल्टीवेशन पे बैन लग गई, तो बहुत सारी कम्युनिटीज जो थी वर फोर्सिबली डिस्प्लेस्ड, वो वहाँ से चले गए फ्रॉम देयर होम्स इन द फॉरेस्ट. सम हैड टू चेंज ऑक्यूपेशंस, इतना ही नहीं कुछ लोगों को तो अपना ऑक्यूपेशंस भी चेंज करना पड़ा. वाइल सम रेसिस्टेड थ्रू लार्ज एंड स्मॉल रिबेलियंस, जबकि कुछ लोग थे उन्होंने क्या डिसाइड किया क्या करने का, उन्होंने रेसिस्ट किया, रिवॉल्ट किया, लार्ज एंड स्मॉल रिबेलियंस, ठीक है. ये इफेक्ट पड़ा, इम्पैक्ट पड़ा किस चीज़ पे, शिफ्टिंग कल्टीवेशन पे, इस रूल्स के आने के बाद. अब देखो थोड़ा ये देखते हैं कि इसमें हंट कौन कर सकते थे. कुछ लोगों को परमिशन दिया गया कि वो शिकार कर सकते थे. द न्यू फॉरेस्ट लॉज चेंज द लाइव्स ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलर्स, किसकी लाइफ को चेंज कर दिया, फॉरेस्ट ड्वेलर्स को, ड्वेलर्स यानी जो फॉरेस्ट में रहते थे. हम लोगों ने देखा ना कैसे लाइफ को चेंज किया, अब तो डेली नीड्स का ना तो सामान ले सकते थे ना शिफ्टिंग कल्टीवेशन कर सकते थे.
एक और देखो तरीका, एक और तरीके से चेंज किया, द न्यू फॉरेस्ट लॉज चेंज द लाइव्स ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलर्स इन येट अनदर वे। बिफोर द फॉरेस्ट लॉज, फॉरेस्ट लॉज जब नहीं आई थी उससे पहले क्या था, मेनी पीपल हु लिव्ड इन और नियर फॉरेस्ट, जो लोग भी जंगल में या उसके आसपास रहते थे, हैड सर्वाइव्ड बाय हंटिंग डियर पैट्रेज एंड अ वैरायटी ऑफ स्मॉल एनिमल्स। वो जंगल में रहते थे और ये सब एनिमल्स को हंट करते थे और खाते थे। इसका मतलब ये नहीं था कि उनके हंटिंग से कोई एनिमल एक्सटिंक्ट किया। दिस कस्टमरी प्रैक्टिस वॉज प्रोहिबिटेड, इसको भी बंद कर दिया गया, ठीक है। प्रोहिबिटेड यानी बैन कर दिया गया बाय द फॉरेस्ट लॉज। एक तरह से बैन ही कहेंगे, अगर कोई चीज़ को प्रोहिबिट, प्रोहिबिट करना, मना कर दिया जाता है लॉ से, तो वो एक तरह से आपका बैन हो गया। दोज हु वर कॉट हंटिंग वर नाउ पनिश्ड फॉर पोचिंग। पता है उसको, उनको किस चीज़ के लिए पनिश किया जाता था, पोचिंग यानी इलीगल हंटिंग ऑफ एनिमल्स। अब देखो, वाइल द फॉरेस्ट लॉज डिप्राइव्ड, डिप्राइव्ड यानी लोगों से छीन लिया किस चीज़ का, पीपल ऑफ देयर कस्टमरी राइट्स टू हंट, हंटिंग ऑफ बिग गेम बिकेम अ स्पॉर्ट। अब यहाँ देखो क्या आयरनिकल सिचुएशन हो गया। एक तरफ तो फॉरेस्ट लॉज ने लोगों को उनका जो कस्टम था, कस्टमरी शुरू से जो राइट्स चला रहा था उसको छीन लिया, ख़त्म कर दिया, कस्टमरी राइट्स टू हंट, ठीक है। जबकि एक तरफ इस चीज़ को ख़त्म कर दिया होगा, और हंटिंग ऑफ बिग गेम बिकेम अ स्पोर्ट यानी बड़े बड़े जानवरों को मारा जाना अब एक स्पोर्ट बन गया। इन इंडिया हंटिंग ऑफ टाइगर्स एंड अदर एनिमल्स हैड बीन पार्ट ऑफ द कल्चर ऑफ द कोर्ट एंड नोबिलिटी फॉर सेंचुरीज। देखो इंडिया में टाइगर का शिकार करना, इन इंडिया हंटिंग ऑफ टाइगर्स एंड अदर एनिमल्स हैड बीन पार्ट ऑफ द कल्चर, शुरू से ये कल्चर रहा है किसका, कोर्ट का और नोबिलिटी का, फॉर सेंचुरीज यानी सालों से, कई सौ सालों से। मैनी मुगल पेंटिंग्स शो प्रिंसेस एंड एम्परर्स इंजॉइंग अ हंट। तुम देखोगे कि उसमें बहुत सारे पेंटिंग्स में दिखाया जा रहा है कि वो हंटिंग कर रहे हैं। इट वॉज नॉट इलीगल एट दैट टाइम, जैसे आज है, बट अंडर कॉलोनियल रूल, लेकिन जब कॉलोनियल रूल हुआ, द स्केल ऑफ हंटिंग इंक्रीज्ड टू सच एन एक्सटेंट। लेकिन जब ये ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए तो ये जो तुम्हारा हंटिंग जो हुआ इतना ज़्यादा बढ़ा, इंक्रीज्ड टू सच एन एक्सटेंट दैट वेरियस स्पेसिस बिकेम ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट, ख़त्म ही हो गए। द ब्रिटिश सॉ लार्ज एनिमल्स एज साइंस ऑफ वाइल्ड प्रिमिटिव एंड सैवेज सोसाइटी। वो लोग लार्ज एनिमल्स को कैसे देखते थे, उनका कहना था कि ये किस चीज़ का साइन है, वाइल्ड प्रिमिटिव एंड सैवेज सोसाइटी का। सो दे बिलीव्ड दैट बाय किलिंग डेंजरस एनिमल्स, उनका ऐसा मानना था, दे बिलीव्ड दैट बाय किलिंग डेंजरस एनिमल्स, कि जो भी खतरनाक जानवर हैं लाइक टाइगर वल्फ, द ब्रिटिश सी, इट्स अ वेरी ये मूविंग सीन साइट ये है, देखो यहाँ पे यू कैन सी लाइंस आर, टाइगर्स आर लाइंग डेड, ओके, एंड हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ यूरोपियंस, लॉर्ड रीडिंग हंटिंग इन नेपाल, काउंट द डेड टाइगर्स इन द फोटो। आपको कह रहा है कि काउंट करो, व्हेन ब्रिटिश कॉलोनियल ऑफिशियल्स एंड राजाज वेंट हंटिंग देवर accompanying whole retinue of servants, उनके साथ servants होते थे। Usually the tracking was done by skilled village hunters and the sahib simply fired the shot। मतलब main काम किनका होता था, villagers का, वो लोग track करते थे animals को। देखो उनका कहना था, ब्रिटिशर्स का कहना था कि लार्ज एनिमल्स को मार के वो लोग इंडिया को क्या बना रहे हैं, सिविलाइज बना रहे हैं, क्योंकि वो लार्ज एनिमल्स को किस तरह से देखते थे, उनको लगता था कि ये सैवेज है। दे गेव रिवॉर्ड फॉर द किलिंग ऑफ टाइगर्स वुल्फ्स एंड अदर लार्ज एनिमल्स ऑन द ग्राउंड्स दैट दे पोज्ड अ थ्रेट टू कल्टिवेटर्स। जानते हो उन्होंने क्या तरीका निकाला, दे गेव रिवॉर्ड्स, वो इनाम देने लगे किसको, किस लिए, फॉर द किलिंग ऑफ टाइगर्स वुल्फ्स
एंड अदर लार्ज एनिमल्स. और किस ग्राउंड पे देते थे? कि ये सारे जो है पोस्ड थ्रेट टाइगर वुल्फ्स जो हैं वो खेती कल्टिवेटर्स के लिए क्या चीज़ हैं, उनके लिए खतरा है. अब देखो यहाँ पे डेटा क्या है तुम्हारा, ओवर 80,000 टाइगर्स 150,000 लेपर्ड्स एंड 2,00,000 वुल्फ्स वर किल्ड फॉर रिवॉर्ड इन द पीरियड 1875 टू 1925. इस बीच में इतने सारे एनिमल्स को मारा गया. ग्राउंड क्या था? दैट दे पोज्ड अ थ्रेट टू कल्टीवेटर्स. ग्रेजुअली द टाइगर केम टू बी सीन एज अ स्पोर्टिंग ट्रॉफी. धीरे धीरे पता है ये स्पोर्टिंग ट्रॉफी के रूप में देखा जाने लगा, क्योंकि जो भी टाइगर को मारता था दे गेट समथिंग रिवार्ड. द महाराजा ऑफ सरगुजा अलोन शॉट 1,157 टाइगर्स एंड 2,000 लेपर्स अप टू 1957 तक. आपको आइडिया दे रहा है कि व्हाट वाज द एक्सटेंट ऑफ मतलब स्पीड क्या थी हंटिंग की. ठीक है, अ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर जिसका नाम क्या था, जॉर्ज योले, किल्ड 400 टाइगर्स. इनिशियली सर्टेन एरियाज ऑफ फॉरेस्ट वर रिजर्व्ड फॉर हंटिंग. शुरू शुरू में कुछ ही एरिया थे रिजर्व थे हंटिंग के लिए. ओनली मच लेटर डिड एनवायरमेंटलिस्ट्स एंड कंजर्वेटर्स बिगिन टू आर्ग्यू. बाद में ये लोग आर्ग्यू करने लगे दैट ऑल दीज स्पेसीज ऑफ एनिमल्स नीडेड टू बी प्रोटेक्टेड एंड नॉट किल्ड. बाद में बहुत सारे एनवायरमेंटलिस्ट थे, जैसे आज कैसे अवेयरनेस है, तो ये लोग बोलने लगे कि ये सारे एनिमल्स को प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है. चलो अब हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे किस चीज़ के बारे में, न्यू ट्रेड्स, न्यू एम्प्लॉयमेंट एंड न्यू सर्विसेज.